जय हिंद पाक मीडिया की नई नई लेटेस्ट ले वीडियोज़ देखने के लिए कृपया डी के यादव न्यूज को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं वीडियो पसंद आने पर वीडियोज को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें आइए देखते हैं वीडियो जय हिंद जय भारत धन्यवाद Уважаемый господин премьер-министр. और कैसे देनी है उधर शबाज शरीफ साहब जा रहे हैं जाके एक तो उन्होंने बड़ी बेइज्जती कराई पीटर के सामने बैठ के अजीबोगरीब माइक कभी इधर लगा रहे हैं कभी इधर लगा रहे हैं वो समझ नहीं आ रही वो बड़ी मुश्किल से अपना हासा रोका हुआ था उसने रूसी सदर ने नाजीन कराम इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इज्जत माब शहबाज शरीफ साहब एक अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए थी शादी जो कि मोहब्बत की वजह से ना हो लेकिन उसकी दीगर वजूहत हो अपने अपने फायदे के लिए हो मैं पहले बता चुका था कि इस मुलाकात के लिए पाकिस्तान की तरफ से सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं और एन मुमकिन है कि यह मुलाकात हो जाएगी आठ सितंबर को यह मैंने बता दिया था यह मुलाकात हो गई Can somebody help me? уважаемый господин премьер-министр, идет перевод. Все нормально? कि वो किस तरह का वजी अजम हटा के उन्होंने कौन सा कार्टून हमारे सामने बिठा दिया है अब मादरत के साथ कहना नहीं चाहिए लेकिन ये उसके दिमाग में चल रहा होगा मैं नहीं कह रहा और अजीबोगरीब किस्म की हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान में एक वजीर जो हैं वो वहाँ बैठ के कभी इधर वाला कान कभी इधर वाला कान फिर बंदा आता है वो आगे लगाता है और प्यूटर ने पहले से लगाया हुआ है तो दिस इज अनफॉर्चुनेट जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं कभी आप उसको पकड़ लेते हैं यहाँ से सेक्रेटरी जनरल को अवा मुतहदा के यहाँ से पकड़ते हैं यहाँ से दबाते हैं यहाँ से, से उसको पुश करते हैं हाथ लगाते हैं क्यों जी ये बैन अलावा सतह के ऊपर इसको माइंड किया जाता है बॉडी लैंग्वेज बहुत काउंट करती है यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट आप हर वक्त ऐसे ही बुखलाए हुए रहते हैं तो इससे लोगों में अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता कॉन्फिडेंस शो कीजिए थोड़ा सा

शहबाज शरीफ एक चमकते दमकते सितारे की तरह मौजूद हैं और जो वीडियोस हैं जो तस्वीर आ रही हैं उन्होंने खैर बड़ा अच्छा खासा वाजे कर दिया और ने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि शहबाज शरीफ साहब वहां पर क्या हरकत करते पाए गए हैं 30 मिनट की यह मुलाकात इसका वक्त का तयन किया गया था कि तीस मिनट दिए गए थे पाकिस्तान के वजे अजम को कि आप आए और तीस मिनट आपके पास होंगे आप मुलाकात करें सदर पुटन के साथ और ये मुलाकात तकरीबन पचपन मिनट तक जारी रही आ... वीडियो में मैं आपके सामने हर्फ बहर्फ वो गुफ्तु रखूंगा जो कि सदर पुटिन और शबाज़ शरीफ के दरमियान हुई क्या बात की गई मुतरजम जो हैं ट्रांसलेटर हैं उन्होंने शबाज शरीफ़ को कान में क्या बताया और किस तरीके से एक दाव आपने देखा होगा शबाज़ शरीफ साहब ने खेला अब वो दाव था जानबूझ कर किया गया या फिर ऑब्वियसली जब आप किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं कि जिससे आप बहुत ज़्यादा मरगूब हों तो फिर आपके हाथ पाँव भूल जाते हैं एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल है एक डेढ़ मिनट तक शहबाज शरीफ धींगा मुश्ती करते रहे उस उस हेडफोन के साथ जिसके जरिए ट्रांसलेटर ने उनको बताना था कि सदर पुटिन क्या गुफ्तु कर रहे हैं आ, तो वो आ, अपने कान पर लगाते हुए जिस तरीके से घबराए हुए थे शबाजशरीफ वो क्लिप आपने देखा लेकिन वो सारी बात जो है वो आ, असल में असल गुफ्तु जो है उसका सब्सटेंस वो ज़्यादा मैटर करता है इस किस्म के वाकत हो जाते हैं लेकिन सदर पुटिन जो कि बहुत सख्तगीर खुरदरे और खुश्क मिजाज शख्स के तौर पर मशहूर हैं इस मुलाकात के आगाज़ में जो डेढ़ मिनट की धींगा मुझती थी हमारे वजीर आजम की उस हेडफोन के साथ उस पर वो भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सके आपने वो क्लिप देखा होगा शब अशरफ कान पर हेडफोन लगाने की कोशिश करते हैं वो गिर जाता है उनसे एडजस्ट नहीं होता फिर वो मदद के लिए स्टाफ को बुलाते हैं वो आकर उसको कान पर लगाते हैं और उस वक्त तक तो बड़ी मायना खेज मुस्कुराहट के साथ देख रहे होते हैं सदर पुटन लेकिन जिस वक्त वो अपने कान पर एडजस्ट करने के बाद सामने मौजूद रिमोट से उसको ऑन करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो कान से गिरता है और शहबाज शरीफ अपनी टांगों में उस हेडफोन को कैच करने की कोशिश करते हैं और वो जब ज़मीन पर गिरता है तो फिर आपने देखा होगा कि कहका निकल जाता है सदर पुटन का बहरहाल वो एक्चुअल सब्सटेंस नहीं है एक्चुअल सब्सटेंस ये है कि पाकिस्तान के वजे अजम शहबाज शरीफ को क्या बड़ी पेशकश क्या ऑफ़र की गई इस मुलाकात में और उसके जवाब में हमारे वज्राजम जिनके पास ये अपॉरचुनिटी मौजूद थी कि अब वो रूस के साथ ताउन को बड़ी हद तक बढ़ा सकते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की लोकल जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वहाँ पर क्या चल रहा है इमरान ख़ान साहब ये कहते हैं कि ये लोग रूस के साथ एक्चुअली और दर हकीकत कोई बड़ा ताउन नहीं चाहते तेल और गैस मंगवाया जा सकता है रूस से कम पैसों में कम नरखों के ऊपर मंगवाया जा सकता है उसके लिए कोई सीरियस मूव नहीं कर रहे इसी तरीके से गंदम जो है वो हैवीली डिस्काउंटेड प्राइसेस पर मंगवाई जा सकती है वो भी नहीं कर रहे तो ये वो मौका था जिसमें जिसको शवाज शरीफ इस्तेमाल कर सकते थे मुलाकात तो बड़ी सरतोड़ कोशिश करके की गई लेकिन उस मुलाकात में जो गुफ्तु हुई उस मुलाकात के दौरान क्या हुआ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ शवाज़ शरीफ के साथ साहब के पास जो है ये मौका ज़रूर था कि वो इसको इस्तेमाल कर सकते थे अपने मुल्क के अवा के बेनिफिट के लिए लेकिन अब हर्फ बाहर सुने कि सदर पुटिन ने क्या गुफ्तू की और जवाब में हमारे वजर अजम साहब ने क्या गुफ्तु की सदर पुटन जो है उन्होंने बातचीत का आगाज किया उन्होंने कहा कि वजर आजम मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई आपके भाई नवाज शरीफ से मुलाकातों की खुशगवार यादें हैं आप उनसे शंघाई ताबन तंजीम की मीटिंग्स के दौरान काजकिस्तान और रूस में मेरी पहले मुलाकात हो चुकी है मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान को जनूब मशरक़ी एशिया बल्कि पूरे एशिया में एक तरजीही पार्टनर के तौर पर देखते हैं हम दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक मस्बत तरीके से तरक्की कर रहे हैं जिसकी हमें खुशी है कि गैर मकबूल तरीन हुकूमत है और इस हुकूमत के पीछे इस आवाम की ताकत नहीं है और फिर आगे से शबाज़ शरीफ साहब ख़ुद भी वहाँ पर बड़े हम्बेरसिंग मोमेंट्स भी हुए और स्पेशली जो पहली वीडियो जारी की गई पी की तरफ से उसमें उतरे हुए चेहरे ऐसे लग रहा था तैयारी के बगैर बैठे हुए हैं और अजीब गरीब सूरत हाल और अब एक चीज़ बड़ी वाजह है कि पाकिस्तान का वज़ी जाए तो चीनी सदर भी आपसे अच्छी मुलाकात करेगा रूसी सदर भी आपसे बेहतरीन मुलाकात करेगा और इसके साथ साथ तमाम तर वो मालालिक जिनके आपके मुल्क के साथ अच्छे तल्लत हैं वो आपके साथ गर्म जोशी से मिलेंगे भी आपके साथ डील्स भी आगे बढ़ेंगी किसी एक शख्स की वजह से इमरान खान के जाने या आने की वजह से ममालिक ममालिक के साथ तल्लत ख़राब नहीं करते ये बड़ी बुनियादी चीज़ है और होना भी ऐसे ही चाहिए और ये बड़ी खुशाइंद चीज़ भी है अब यहाँ पर कुछ तस्वीर मंजरें यहाँ पर आई हैं सबसे पहले तो एक वीडियो जो है नून लीग की तरफ से लाई जा रही है कि जी कंप्लीट वीडियो ऑफ़ प्राइम मिनिस्टर शबाज शरीफ मीटिंग विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन अब जो नून लीग एक नैरेटिव बिल्डिंग और डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है उसमें उन्होंने शबाज शरीफ साहब के पुतिन के साथ हाथ मिलाते गर्मजोशी के साथ मिलते हुए भी लगा दी और फिर बीच में कट लगाया जिसमें वो जो एम्बेरसिंग मोमेंट था जिसमें वो माइक लगा रहे थे और उनसे वो माइक नहीं लग रहा था अपना वो जो ट्रांसलेशन के लिए ऑब्वियसली रूस और चीन और इस तरह के वालिक गुलाम तो होते नहीं है कि वो अंग्रेज़ी में बात करें तो वो अपनी मारी जुबान में बात करते हैं चाहे आगे जो मर्जी हो अब यहां पर कुछ और चीजें भी सामने आई और इनके हवाले से बाकी तमाम कर रही है कि जी, जी प्रोटोकॉल दे रहे हैं डैमेज जो होना था खैर आपने इमेज को और ओवरऑल पहुंचा दिया अलेक्टेड सलेक्टेड का जो एक पाकिस्तान की पूरी नेशन बात कर रही है मैं ये बात नहीं कर रहा और बड़े कंपेरिजन आ रहे हैं इससे पहले सऊदी अरब के दौरे पर कंपेयर मैंने आपके सामने रखा था यूएई के दौरे पर हमने अपने चैनल के जरिए जो कंपैरिजन है कि उन्होंने अपना एक नॉर्मल जो है वो भेज दिया इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी नहीं भेजा और इसके साथ ही साथ टर्की के अंदर भी कुछ इस तरह के मोमेंट्स आए वहाँ पर भी शबाज शरीफ़ साहब के ऊपर मुबना तौर पर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ये एलिगेशन भी लगाया कि वो वहाँ पर सोलर पैनल्स अपने बेटे के कारों जब आप इस तरह की चीज़ें अगर खबर भी चल पड़े जो हो या ना हो तो आपका जो मुल्क है और आपकी जो अपना देखें एक फाउंडेशन होती है आप जब मजबूत पैरों पर खड़े हों शबाज शरीफ साहब को एंतोनियो गुतरेज के सामने ये क्यों कहना पड़ा यूएन सेक्रेटरी जनरल के सामने कि ये पैसा जो है ये सैलाब जदगान पर ही खर्च होगा ये कितनी अजीब सी बात है यानी ये चोर की दाढ़ी में तिनका अगला दोस्तों दोस्त में एस की शुरुआत की शुरुआत है जिसमें कुछ देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष साइड लाइन पर मिले उसी में, थे एक, उसी में से एक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री सहबाज शरीफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से मुलाकात की कुछ देर तो सहबाज शरीफ का ट्रांसलेटर कभी का इस कान में लगाते तो कभी दूसरे कान में लेकिन उसकी उसे देखते हुए पुतिन मुस्कराते रहे और थोड़ी देर बाद जब मीटिंग शुरू हुई तो रूस ने पाकिस्तान के लिए गैस देने का ऐलान कर दिया है रूस के राष्ट्रपति का कहना है यदि अफगानिस्तान में हालात ठीक रहे तो पाकिस्तान को पाइपलाइन के जरिए गैस दी जाएगी शहबाज शरीफ ने पुतिन से मिलकर एक तीर से दो निशान किए हैं एक तरफ तो इमरान खान को सीधी सीधी जवाब दिया है दूसरे पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तानी अवाम कहती थी ये अमेरिका का गुलाम है लेकिन शहबाज शरीफ ने पुतिन से मिलकर इसे गलत साबित किया दूसरा इमरान खान कहता था कि रूस से मैं सस्ता डीजल और पेट्रोल लाऊंगा और उसके लिए भी पाकिस्तानी हुकूमत ने सीधा जवाब दे दिया है क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत की पाकिस्तानी अवाम में दिन रात पॉपुलैरिटी कम होती जा रही थी इमरान खान झूठा बयान दे देकर पाकिस्तानी हुकूमत को इस तरह से फंसा रहा था कि पाकिस्तानी अवाम में इमरान खान की पॉपुलैरिटी दिन रात बढ़ती जा रही थी आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें जय हिंद